हेलो फ्यू हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द लर्निंग जोन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी फ्रेंड्स दोस्तों कुछ भी कह लो, एक ही बात है। तो हम आज सभी चैप्टर सेकंड नाइन्थ क्लास का सिविक्स का संविधान निर्माण करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं चैप्टर वन फोर पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप लोग उसके लिंक पर, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके आप लोग फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की आप लोगों को कोशिश की है। मैं आई होप कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संविधान निर्माण परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र है जहाँ पर लोगों का शासन हो, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी हो, शासकों का मनमाना आचरण ना हो। तो कुछ लोकतंत्र की विशेषताएँ भी हमने लास्ट चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ी थी। तो अब इसमें बताया गया है कि जिनका कुछ ऐसे नियम होते हैं गवर्नमेंट के, कुछ देश के, लोकतंत्र के, कि उनको पालन केवल नागरिकों को या फिर सिर्फ शासकों को नहीं करना होता है, बल्कि दोनों को मिलकर के उन नियमों का पालन करना होता है। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप ही संविधान कहलाता है। और जब इस टाइप के जो सारे नियम आकर के मिलते हैं तो वो संविधान का रूप धारण कर लेते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान क्या और क्या काम होता है कि ये एक सर्वोच्च कानून होता है। इससे ऊपर देश में कुछ भी नहीं है। सारे नियम, सारे रूल्स, रेगुलेशन, आचरण करने का तरीका, अधिकार, सारी शक्तियाँ, दंड, ये सब कुछ संविधान में दिए गए, जिनमें नागरिकों के अधिकार भी सम्मिलित होते हैं, इसमें सरकार की शक्ति भी सम्मिलित होती है और उनके कामकाज करने के जितने भी तरीके होते हैं वो सारे संविधान में ही निर्धारित किए जाते हैं। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान कैसे बनते हैं और उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की डिस्कशन इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उन्हें बदलाव कर सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं इसमें जो दिए हुए हैं, जिन्हें आज हम इस चैप्टर में करेंगे। हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों, उनकी भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। कौन संविधान? तो यहाँ पे था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने जा रहे हैं, वो हमने पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, आप देखिए, नेल्सन मंडेला की। तो यहाँ पे ये जो वाक्य, पूरा पैरा जो पढ़ा गया है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा ही बोला गया है, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। तो वहाँ पर गोरियों काले का बहुत ज़्यादा भेद होता था और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। और अश्वेत यानी कि जो वहाँ पर डार्क लोग होते थे तो उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, उनको अलग अलग तरीक़ों से प्रताड़ित किया जाता था, बहुत सारे डिफरेंसेस थे कंट्री में, तो उसका उन्होंने विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है, तो इसमें आप बोल रहे हो कि मैंने ऐसे डेमोक्रेटिक और स्वतंत्र सोसाइटी की कामना की है जहाँ पर सभी लोग
मिलजुल करके साथ में रह सके और सबको इक्वलिटी हो हर काम करने की। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मंडेला बोल रहे हैं कि मैं इसी आदर्श के साथ सारे अपने काम करना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी जान देने को भी इस आदर्श के लिए तैयार हूँ। यह मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और ये स्टेटमेंट थी उनकी। और वो ऐसी तरह का समाज चाहते थे जिस पे कि जो गोरों लोगों की वहाँ पे सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने देशद्रोह का आंदोलन चलाया था इस चीज़ के लिए मंडेला के ऊपर। उन्हें और सात अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। तो वहाँ पर मंडेला का बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया था उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने मिलकर के, जहाँ पर रंग भेद की नीति जो उस समय चलाई जा रही थी, कलर के आधार पर डिफरेंसेस हो रहे थे लोगों में, तो उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया था और भी बहुत सारे कार्य किए थे जिसके लिए जो वहाँ पर वाइट पीपल्स की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा उन्हें दे दी थी, आजीवन कारावास। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। और 28 वर्षों तक, सच अ लॉन्ग पीरियड इट इज़, 28 ईयर्स तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे जो भयानक जो जेल थी रोबेन द्वीप में उन्हें कैद रखा गया था। किस लिए? केवल अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नक्सली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरो लोगों ने ला दी थी। तो ये जो व्यवस्था थी रंगभेद वाली, नक्सली भेदभाव वाली, तो उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी और जो गोरे लोगों के द्वारा यूरोप में ला दी गई थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और ज़ोर ज़बरदस्ती से ग़ुलाम बना लिया था जैसे भारत को बनाया था। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे, पर भारत में इतने गोरे लोग नहीं थे जितने दक्षिण अफ्रीका में बस चुके थे। और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। और जिस तरह से आप लोग इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत की शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में कर लिया था, उसी तरह से वहाँ पर भी उन्होंने यही काम किया था। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। और रंग मतलब जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होते थे रंग के आधार पर, उनके कलर के आधार पर कि कौन गोरा है, कौन काला है, गोरे हैं, अंग्रेज़ हैं तो अच्छे पद पर आसीन होंगे, अच्छा व्यवहार किया जाएगा समाज में उनके साथ, अगर वो लोग डार्क हैं तो उन्हें भेदभाव की नज़र से देखा जाएगा, छुआछूत भरी निजाम निगाहों से देखा जाएगा, उनके लिए कोई फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो इस आधार पर राजनीति में भी लोग बट गए थे। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, 3/4 पॉपुलेशन उनकी है वहाँ पर आबादी में, और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत मतलब जो श्वेत ना हो, काले हों। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता, अब देखिए काली और गोरी चमड़ी हो गई। अब जो वहाँ पे मिक्स लोग होते थे जो ना ज़्यादा गोरे होते थे ना ज़्यादा काले होते थे तो उन्हें रंगीन चमड़ी कहा जाता था। और भारत से गए लोग भी थे वहाँ पर, गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। और वहाँ पर आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा जो दैट इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री कि वहाँ पे जो गोरे लोग जो होते थे वो अपने को छोड़ करके बाकी जो और भी लोग होते थे जो काले होते थे उन लोगों को बहुत ही नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था और उन्हें वोट डालने का भी नहीं अधिकार था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। तो रंगभेद की जो ये नीति थी जो दक्षिण अफ्रीका में चलाई जा रही थी वो बहुत ही दमनकारी थी, मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली थी सब कुछ, जैसे सब कुछ ख़त्म सा होता जा रहा था वहाँ पे, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं बच रहा था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त भी नहीं थी, जहाँ पे गोरे लोग रहते थे वहाँ पे वो लोग आ जा नहीं सकते थे, परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम मतलब जब उनके पास परमिट होता था
तभी वो वहाँ पर जाकर काम कर सकते थे जहाँ गोरे लोग होते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज और थिएटर्स और जो नाट्य गृह होते थे जहाँ पर ड्रामे और नाटक, डांस प्रस्तुत किए जाते थे, और बीचेस पर, तरणताल पर, सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरे और काले लोगों के लिए एकदम अलग अलग इंतज़ाम किए गए थे। अब आप लोग सोचिए कि छोटी से छोटी जगहों पर भी वहाँ पर गोरे और काले लोगों के लिए, जैसे लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग होता है, उस तरह से वहाँ पर गोरे और काले अलग अलग हो गया था। तो किस हद तक वो लोग उन डार्क पीपल से वहाँ पर नफरत करते होंगे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतज़ाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह है, तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे? अब ये एक चीज़ कोई नई नहीं है कि हम पहली बार ही ऐसा पढ़ रहे हैं और सुनकर के हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएं कि हाँ ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत सारी जगह मूवीज़ में, अपनी हिस्ट्री में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जो छोटी कास्ट के जो लोग होते थे उनको लोग मंदिरों में तक घुसने नहीं देते थे, कुओं से पानी भरने की भी उन्हें इजाज़त नहीं होती थी। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी इसी तरह से होता था कि जो काले लोग होते थे, अश्वेत लोग होते थे, उन्हें चर्च में भी जाने की परमिशन नहीं होती थी। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था, और तो और कोई अधिकार नहीं था उन्हें, साथ में इस चीज़ का विरोध वो करें वो अधिकार भी उन्हें नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। अब वहाँ पे जो अश्वेत लोग थे, जो मिक्स्ड कलर्स वाले थे जिन्हें वहाँ पे लोग रंगीन कहते थे, और साथ में भारतीय मूल के निवासी जो वहाँ पे निवास कर रहे थे, उन लोगों ने संघर्ष किया उसके लिए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, हड़तालें की, भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, और बहुत सारे ऐसे समझदार और जो कुछ संवेदनशील गोरे लोग थे जो अच्छे थे वाकई में, जो समझते थे कि हाँ इन काले लोगों के साथ गलत हो रहा है, और जो इस रंग भेद को समाप्त करना चाहते थे, कुछ गोरे लोग भी उसमें शामिल थे। ठीक है, उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हज़ारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या कर दी, और साथ में उनका दमन करते हुए अपना शासन, जो भी उनके खिलाफ प्रदर्शन करता था, विरोध करता था, वो उन्हें मार देते थे, दबा देते थे उनकी आवाज़ को, और वो अपने उन्होंने अपने शासन को कंटिन्यू रखा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन हम पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाया, अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं, मतलब बहुत ही फेमस बुक है, और ये अक्सर जीके में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि ये बुक किसकी है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा, एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, तो सरकार को यह एहसास हो गया कि वह अब ज़ोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकते, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये विद्रोह बढ़ता गया। बहुत बार उन्होंने आवाज़ दबाई, उन लोगों को मारा भी, लेकिन और विरोध बढ़ता गया, जिससे उन लोगों को, गोरे लोगों को एटलीस्ट ये बात समझ में आ गई कि अब हम इन पर अपनी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, मनमानी नहीं चला सकते। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने थोड़े थोड़े रूल्स, रेगुलेशंस, अपनी जो उनकी नीतियाँ थी, प्रिंसिपल्स थे, उनमें बदलाव करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग कंट्रोल रहे हैं, उनकी आवाज़ें दबी रहे, वो प्रदर्शन ना करें। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, और जो उन्होंने कुछ कानून बनाए थे, लॉज बनाए थे जो कि भेदभाव को प्रदर्शित कर रहे थे, वो उन्होंने वापस ले लिए। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां भी उन्होंने हटा ली। 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया, और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को दक्षिण अफ्रीका का
नया झंडा लहराया गया और दुनिया में एक ये नया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार से के गठन से रास्ता खुल गया। यह सब कैसे हुआ, आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले नेल्सन मंडेला जो राष्ट्रपति बन गए थे के मुंह से ये जाने। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार हो गए। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब हम सभी नस्लों को, चाहे वो स्त्री हों पुरुष हों, समान व्यवहार करेंगे सबसे। लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय होगा, समाज में सभी को न्याय मिलेगा, सभी इक्वल होंगे, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो काले हो गोरे हो छोटे हो बड़े हो सब समान हैं। मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें जहाँ पे जो कुछ अधिकार बनाए जाएं वो मानवों के लिए हों, उनके विरोध में ना हों। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। किसको? दक्षिण अफ्रीका को। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय, पुराने कड़वे अनुभवों के आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में यही बात समझा। तो अब बच्चों कि इस पेज पर हम पूरा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की जो नीतियाँ थी उनके बारे में ही बात कर चुके हैं और आगे जो स्टैंजा है इसमें भी वही दिया हुआ है कि वहाँ पर रंगभेद की जो नीतियाँ थी, क्रूर जो दमनकारी नीतियाँ थी, उनका विद्रोह हुआ और किस तरह से उन्हें दोहराने की अनुमति नहीं दी गई कि उन्हें रिपीट ना किया जाए, अब सब कुछ भूल जाएं, नई शुरुआत करते हैं फिर से। यहाँ पर यही सब बातें की गई हैं। घोषणा पत्र बनाया गया जिसमें श्वेत अश्वेत स्त्री पुरुष मतलब देश सबका है, ये सारी बातें की गई। हम आगे पढ़ते हैं। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर बहुत लंबा है, 16 पेजेस का अप्रॉक्स हम कह सकते हैं, तो एक वीडियो में तो नहीं बनने वाला है ये, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ना तो इतना लंबा वीडियो आप लोग देख सकते हैं एक साथ, बोर हो जाएंगे बुरी तरह से, और ट्रूली स्पीकिंग मैं भी नहीं बना सकती इतना लंबा वीडियो। तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स में बनाया है, बनाऊँगी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। तो प्लीज़ स्किप ना करें एक भी वीडियो, वॉच ऑल द वीडियोस टिल द एंड, तभी ये चैप्टर समझ में आप लोगों को आएगा। तो हम पढ़ते हैं हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो हम ये समझ ही चुके होंगे कि संविधान की क्या इंपॉर्टेंस है। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। तो अब जो नया जो कंट्री बनी थी दक्षिण अफ्रीका में, एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, उसमें क्या है, अब सारे लोग मिलकर के, चाहे वो गोरे हों काले हों, वो मिलकर के समान रूप से रहने की अब योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। जो लोग बहुमत में थे, जो लोग मतलब मेजॉरिटी में थे, वो लोग चाहते थे कि जो हमने बनाए हैं सिद्धांत उनसे कोई समझौता ना हो, वो एज इट इज़ चलते रहें। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। जो मेजॉरिटी में थे जो लोग, उन्हें बहुत सारे अपने लिए खुद के अधिकार चाहिए थे कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, मतलब अपने लिए वो चाहते थे बहुत सारी चीज़ें।
अल्पसंख्यक जो लोग थे, जो गोरे थे, को उनकी अपनी जो संपत्ति थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, अपने जो विशेष अधिकार थे उनके पास, उन्हें उनकी चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हो गए। अब सबको अपना अपना चाहिए था भाई, मेजॉरिटी में थे अश्वेत लोग, जो कुछ जो गोरे लोग थे वहाँ पे, कुछ नहीं कह सकते, गिने चुने नहीं थे, थे काफ़ी, पर उनसे ज़्यादा अश्वेत लोग थे, जो डार्क थे वो थे मेजॉरिटी में। तो वो अपनी नीतियाँ चाहते थे, जो श्वेत लोगों ने वहाँ पे जो अपनी नीतियाँ बनाई थी, अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, जो भी चीज़ें थी वो अपनी चाहते थे, अपना अपना। ऑब्वियसली बात है, सब अपना अपना अच्छा ही सोचते हैं, तो वहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। तो अब जो समझौता बनाया गया, जो क्या कह सकते हैं हम, वो जो फैसले लिए गए, वो उन दोनों लोगों के मतलब मिला करके कि हम दोनों की अब ऐसा ऐसा होगा, ना इधर ज़्यादा ना उधर ज़्यादा। तो इस बात में लोग सहमत हुए, अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे, और अश्वेत लोग भी इस बात पर तैयार हो गए कि ठीक है, बहुमत के आधार पर फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के ज़रिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। तो क्योंकि अब मेजॉरिटी में जब डार्क पीपल थे, तो वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि अब अगर हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ में हैं, उनकी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, उनको हम परेशान नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था, इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें, तो क्या गारंटी थी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित परत में ले लिया जाए, मतलब राइटिंग में सब कुछ, सारे डिसीजंस लिए जाएँ, घोषणाएँ की जाएँ, जिससे सभी लोग जो थे वहाँ पर उन्हें मानने के लिए बाध्य हों, माने ही माने। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी रिटर्न में आ जाता है लिख करके। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, और ये जो रिटर्न में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्राइटेरिया, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज जो बनाई गई थी, उनमें सिटीजन्स के वहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज़ भी शामिल थी। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। और ये भी बात बोली गई कि ये जो नियम हम बना रहे हैं, ये तभी काम कर पाएंगे जब जो जिसकी सरकार होगी वो इन्हें चेंज करने की कोशिश ना करे हर बार, कि अब हम जीत गए तो अब हम अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे, अब हम जीत गए तो अब हम बनाएंगे, भाई ऐसे तो देश नहीं चल पाएगा। तो वहाँ पर ये भी डिसीजन लिया गया। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया, वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत तो हो गए, वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर हैं और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं करेगी। और कुछ जो नियम थे उन्होंने जो बनाए थे, उन्होंने चाहा कि ये सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार हो, चाहे गोरों की हो चाहे कालों की हो, वो इनकी उपेक्षा नहीं करेंगी, इन्हें बदलेंगी नहीं। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं, और ये जो लिखित जो रूप है, जो नियमों का ये लिखित रूप बनाया गया जिसमें नागरिक, सरकार सभी सम्मिलित थी, इन्हीं को लोग संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीकी की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूह के लोग होते हैं, संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण ना हो। हर देश में लोग होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, वही दुश्मनी भी होती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स भी डिवाइड होते हैं, पार्टीज़ भी होती हैं अलग अलग। हो सकता है कि इनके जैसे ना हो दुश्मन भयंकर वाले, पर होते हैं फिर भी। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। अब ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के अपने अपने विचार होंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई एक ने जो बोल दी वो सब माने, कहीं ना कहीं विरोधाभास हो ही जाएगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ, और अगर नियम नहीं होंगे समाज में, तो आप सोच सकते हैं कि समाज कैसा होगा। नियम हैं, उसी के तले हम बंधे हुए हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं लोग करने से डरते हैं।
यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं। केवल सरकार ही नहीं, एक छोटा सा संगठन भी कोई होगा देश में जिसमें चाहे 10-15 लोग ही हों, उनके भी अपने नियम कायदे कानून होंगे ही। उन संगठनों में भी ऐसा नहीं होगा कि भाई लोग अपनी मर्जी से मनमानी कर सकें। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है, यानी कि नियम कायदे कानूनों की लिखित में ज़रूरत होती है। बच्चों, यहाँ पर आज हमने अपने इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, करके तो देखो। बस हमें एक थोड़ी सी और अच्छा करने की और काम करने की बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। जैसे तेरे बूस्टर का काम करता है हमारे। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस के लिए आप लोग अपडेट रहेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों।